को बता दें, बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के दौरे का आज दूसरा दिन। बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के दौरे का आज दूसरा दिन। कुमारी सैलजा आज विधायकों के साथ करेंगी बैठक। आगामी कांग्रेस के महाअधिवेशन को लेकर कर सकती हैं चर्चा। बड़ी खबर रायपुर से, आगामी कांग्रेस के महाअधिवेशन को लेकर कर सकती हैं चर्चा। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रदेश प्रभारी कर सकती हैं चर्चा। बड़ी खबर रायपुर से, आगामी कांग्रेस के महाअधिवेशन को लेकर कर सकती हैं चर्चा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे का आज दूसरा दिन। आज विधायकों के साथ कुमारी शैलजा करेंगी बैठक। आगामी कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर कर सकती है चर्चा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी रामकुमार नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार नायक, आपके पास क्या जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी कुमारी सैलजा इन दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। कल उन्होंने जो लीडरशिप डेवलपमेंट की मीटिंग में भाग लिया और आज वे विधायकों के साथ में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो 24 में जो लोकसभा चुनाव है, तो दोनों चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक और एक विधायकों को कहीं ना कहीं टास्क देने का काम आज वे इस बैठक में करने वाले हैं। साथ में जो कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तो उसको लेकर जो विधायकों को क्या क्या जिम्मेदारी देंगे और जो तमाम जो और जो पदाधिकारी हैं उनको भी किस प्रकार से जिम्मेदारी दिया जाएगा कि ताकि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन बेहतर तरीके से हो सके, तो इसको लेकर भी आज वे बैठक में उनसे चर्चा करने वाले हैं। निश्चित तौर पर इसमें जो जितने जो विधायक हैं सभी उसमें शामिल होने वाले हैं और आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी जो है कुमारी सैलजा विधायकों से रूबरू होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज विधायकों के साथ होगी बैठक, कुमारी सैलजा लेंगी बैठक और आगामी कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर कर सकती है चर्चा।